हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। कैसी रही आपकी होली, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ, मैंने अपने किचन के लिए एक कढ़ाई मंगाई हुई है। मैंने अपने किचन के लिए एक नया बर्तन मंगाया हुआ है। आप लोगों को पता ही है मेरा नया घर बन रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने जो पुराने जो बर्तन हैं, जैसे कि नॉन स्टिक की बर्तन या स्टील के बर्तन, उनको कन्वर्ट कर दूँ आयरन में, कास्ट आयरन में, स्टेनलेस स्टील में। धीरे धीरे ही सही कर रही हूँ मैं, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने जो कुकवेयर हैं उनको थोड़ा सा चेंज करिएगा, उनको थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील या फिर कास्ट आयरन या फिर आयरन में कन्वर्ट करिएगा। सो मैंने इस बार कढ़ाई मंगाई हुई है। ये एक छोटी सी कढ़ाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिटेड है। ये जो कढ़ाई है ये इंडस वैली की तरफ से है। सो इस ये जो कढ़ाई है मुझे इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। तो आप देख सकते हो ये है बॉक्स इसका, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस वैली कढ़ाई ट्रिपली स्टेनलेस स्टील। ये तीन लेयर्स की बनी हुई है। इसमें यहाँ पे लेयर भी दिखाया गया है किस तरीके की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो लेयरिंग है वो भी बहुत अच्छे से इसमें दिखाई गई है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसमें लेयरिंग है वो पूरी बहुत ही अच्छे से दिखाई गई हुई है। ये जो कढ़ाई है ये आप गैस स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हो, ग्लास स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हो, और इंडक्शन पे भी है, और आप डिश वॉशर में इसे वॉश भी कर सकते हो। यहाँ से ये एकदम फ्लैट है। इसके हैंडल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप देख सकते हो इसके हैंडल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये काफ़ी वेटेड है जिसकी वजह से, इसका जो तला है इतना भारी है जिसकी वजह से इसमें हम जब भी कोई चीज़ कुक करेंगे वो चिपकेगी नहीं, लगेगी नहीं। और हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी जो खाना आप बनाएं, कभी भी किसी भी बर्तन में बनाएं, वो धीमी आँच में बनाएं, तो आपका जो कुकवेयर है वो भी नहीं ख़राब होगा, आपका खाना है वो धीमी धीमी आँच में अच्छा बन के तैयार होगा और लगेगा भी नहीं। और ये स्टील की है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं वो तो दादी नानी के ज़माने से ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप आयरन की कढ़ाई में, आयरन के बर्तन में खाना, कोई सब्जी है हरी सब्जी जरूर बना के खाएं जिससे आपको नेचुरल आयरन मिले। कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं उनको सीजर्स करके अगर रखेंगे, सीजनिंग अच्छी करेंगे, तो कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं वो नॉन स्टिकी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जब हम बर्तनों को धुलते हैं लोहे के बर्तनों को, उनको अगर वैसे ही रख देंगे तो उसमें जंग लग जाती है या फिर उसमें थोड़ी सी वो खुरखुरापन हो जाता है। अगर आप उसको तुरंत तुरंत ड्राई कपड़े से पोंछ के हल्का सा ऑयल, कुकिंग ऑयल लगाकर छोड़ देंगे पोंछ के टिश्यू से, और इसे दोबारा जब यूज़ करते हैं तब वो नॉन स्टिक की तरीके से काम करता है। ऐसे स्टेनलेस स्टील जो होती है ये इतनी मोटी परत की है और इतनी अच्छी है कि जब हम इसमें कुकिंग करते हैं तो खाना जो है वो एकदम सेफ बन के तैयार होता है। साथ ही साथ इसमें खाना चिपकता नहीं है और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो भाई जो इंडस वैली की जो स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है इसको क्लीन करना भी आसान है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, और साथ ही साथ ये हेल्दी फूड कॉन्शियस भी है, साथ ही साथ फूड सेव भी करती है, टॉक्सिन फ्री है, एंड ISO 9001 सर्टिफाइड है। सो गाइस, डेफिनेटली आप इनकी कढ़ाई बाय कर सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। इसका प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेक कर लेना। एंड मैं आज आप लोगों को इस कढ़ाई में कुछ मीठा बना के दिखाने वाली हूँ। फिलहाल अभी अपने घर में तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर अभी बन रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में जब जाऊँगी तो इस कढ़ाई में कुछ ना कुछ मीठा फिर से बनाऊँगी। फिलहाल अभी दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक रेसिपी ज़रूर शेयर करके दिखाऊँगी और इस कढ़ाई के बारे में और जानकारी देती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में, इसको वॉश करते हैं एंड इसको यूज़ में लाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये कैसे रिसीव हुई थी। इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब भी हम इंडस वैली के कोई भी कुकवेयर मंगाते हैं उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आती है, हमें प्रोडक्ट एकदम सेफ रिसीव होता है। और मैंने जो ये कढ़ाई मंगाई हुई है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पैकेजिंग में ये आई हुई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की एक पन्नी मिली है और उसके बाद एक ये बबल रैप का पन्नी मिला हुआ है जिससे इसे कोई मतलब ये टूटे फूटे ना। और उसके बाद ये बॉक्स है, ये इतना प्यारा बॉक्स है इंडस वैली का। बस इसको इसे ओपन करेंगे फटाफट से और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कढ़ाई
इस तरीके से पैक होके आई थी एक बैग में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एकदम लग्जीरियस पैकिंग थी इसकी, मुझे तो देख कर ही बहुत मज़ा आया। बट कढ़ाई जितनी बड़ी थी, मतलब जितना मैंने बहुत बड़ा सोचा था, उस छोटी ही थी। खैर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये कढ़ाई जो है ये 4 लीटर कैपेसिटी की कढ़ाई है, और जितना जैसे स्टील की जो होती है ना, अंदर भी स्टील है बाहर भी स्टील है, बहुत अच्छी है। इस ये जो स्टील है ये स्क्रैच प्रूफ है, इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं लग सकता है, ये क्लेम करता है ये ब्रांड। और बस मैंने अभी इसे धुल लिया है, अब चलते हैं किचन में, मतलब किचन में ही हूँ। और मैं बनाऊंगी इसमें आज हलवा, वो भी बेसन का हलवा। तो चलिए आज आप लोगों को मैं बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें मैंने लिया हुआ है घी, क्वांटिटी में घी की मैं बताऊँ तो हाफ कटोरी घी मैंने लिया है, और हाफ कटोरी ही मैंने बेसन लिया हुआ है। मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और इस कढ़ाई में कुछ मीठा बनाने के लिए, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा बनाया है। और यहाँ पर मैं पहले इसको भून लूँगी, एकदम लो फ्लेम में मैंने इसे रखा हुआ है, ताकि ये धीमी धीमी आँच में भून जाए। और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत स्लो आंच में भून रही हूँ, लेकिन भूनने के बाद इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है। हमारा खाना जो है वो बर्तन में चिपकता नहीं है। एंड इस कढ़ाई को यूज़ करके मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज़ इस कढ़ाई में जब मैंने बेसन का हलवा बनाया, एक ऐसी चीज़ बनाई जो बहुत जल्दी चिपकती है, बहुत जल्दी जलने के चांसेस रहते हैं, सो वो नहीं हुए। हालांकि मैं नॉन स्टिक में जब बनाती तो नहीं चिपकती थी, और नॉन स्टिक का हेल्दी नहीं होता है। तो बस इसमें मैंने क्या किया, जैसे ही बेसन भुन गया मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बस इसको लगातार चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखना है, इसी टाइम में हलवा को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैस का फ्लेम अगर लो है तो आपका हलवा बिल्कुल नहीं जलेगा, और इस कढ़ाई में मतलब बिल्कुल हलवा ना जला ना चिपका, बहुत अच्छे से बन के आ गया। उसके बाद जब मैंने कढ़ाई वॉश करी तो एकदम क्लीन कढ़ाई निकल के आई, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। छोटी सी ही सही, लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मैंने, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बादाम थे इस टाइम, तो मैंने बादाम डाल दिए हैं काट के, और मैंने इसे निकाल लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, मुँह मीठा कर लीजिएगा, नए बर्तन में बन गया है ये हलवा। सो गाइस, हलवा भी हमारा बन के तैयार है, बढ़िया सा बेसन का, और ये कढ़ाई भी एकदम चमक गई है, बस एक ही बार में साफ हो गई। सो ये फ़ायदा होता है स्टेनलेस स्टील का। सो गाइस, अगर आप लोग भी इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना, एंड इनकी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, तो चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड हेल्दी खाना खाइएगा। बाय बाय।